भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हमीरपुर के चुनाव प्रभारी प्रवीण शर्मा ने कहा है कि चुनावों में अपनी दिखती हुई हार से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह डरी हुई है। यही कारण है कि हमीरपुर में हुए कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को अपनी ही पार्टी के पदाधिकारी को धमकियां देने पड़ गई है। कांग्रेस पार्टी की हालत देश में भी और प्रदेश में भी पतली है, और देश में कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो लोगों को धमकियां दे रहा है और कार्यकर्ताओं को भी धमकियां दे रहे हैं, और इसी प्रकार से प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को ही धमकियां दे रहे हैं। उनको अब ये दिख गया है कि जनता उनके झांसे में फंसने वाली नहीं है, और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे और कांग्रेस पार्टी की देश विरोधी और देशद्रोही नीतियों का वो विरोध करेंगे। और कांग्रेस का भी जो संवेदनशील कार्यकर्ता है वो कांग्रेस पार्टी के इस देश विरोधी रवैये से परेशान है और दुखी है, और इसी करके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी के नेताओं को धमकी देनी पड़ रही है और कार्यकर्ताओं को धमकियां देनी पड़ रही हैं। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अभी से अपनी हार मान ली है, और ये निश्चित सत्य है कि प्रदेश के अंदर 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है।